मोदी तेरा खेल, हरवारे मोदी तेरा खेल, हरवारे मोदी तेरा खेल, तेरा खेल जब 392 था तो ये लोग रास्ते पर उतर के चूड़ियाँ दिखा रहे थे, बाटले कंधे पर उठाए थे, आज ये सब कहाँ चले गए? पब्लिक जूझ रही है, कोरोना के वजह से काम धंधा नहीं है, घर में बैठे हुए, ना रोजगार मिला ना और कुछ मिला, ये सिर्फ विरोध अच्छा कर सकते हैं, इनको अपोजिशन में रहना चाहिए और रूलिंग पार्टी कांग्रेस होनी चाहिए। हमारी मांग है, जनता से अपील है कि इस बार जोरों से राहुल गांधी जी को सपोर्ट करें और उनको लाओ। ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसा 2019 में नहीं जीत कर आया। आज आम आदमी परेशान है, पछता रहा है। आज अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो ये चीज़ें नहीं होती, ना पेट्रोल के भाव बढ़ते। ये बड़ी होशियारी से 5 पैसा 15 पैसा 25 पैसा रोज़ बढ़ा रहे हैं, ताकि 5 रुपया बढ़े तो मालूम नहीं पड़ता, मालूम पड़ जाता 5 रुपया बढ़े तो, 25 पैसा बढ़े तो मालूम नहीं पड़ता, ये इनकी पॉलिसी है। तो डेली 3 महीने से 4 महीने से बढ़ाते ही जा रहे, ये कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ से लाएगी पैसा जनता? तो इसके लिए विरोध था। ये हमारी आपसे अपील है, जनता से अपील है कि राहुल गांधी जी को सपोर्ट करो और इन लोगों को बाहर करो, तो ही कुछ हल हो सकता है, पब्लिक को रोज़गार मिल सकता है। इनके रहते रहते कुछ नहीं मिलेगा और बर्बादी होगी। धन्यवाद। देखिए, पहले 2014 में ये झूठी सरकार ने, आज जो बैठी हुई सरकार है, इन्होंने लोगों को झूठा बोला, फंसाया, कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि क्या ये अच्छे दिन है, आप लोग स्वयं देख लीजिए और उसका आकलन कर लीजिए। जो गैस के दाम कांग्रेस के ज़माने में 314 रुपये था, आज 1000 रुपये के करीब करीब आ गया है। जो पेट्रोल कांग्रेस के ज़माने में 60 रुपये था, आज 100 के पार हो गया है। तो यही झूठी सरकार में और कांग्रेस में फ़र्क है। कांग्रेस बोलती नहीं है, कांग्रेस करके दिखाती है। सारी योजनाएं जो आज चल रही है वो कांग्रेस की है, सिर्फ इन लोगों ने नाम बदलने का काम किया है। देश की जनता से हम अपील करेंगे कि आप इनके बहकावे में अब मत आइए और कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करिए, जिताइए और फिर सत्ता में लाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मोदी सरकार के खिलाफ में ही हम लोग मोर्चा निकाले हैं। पेट्रोल महंगा, महंगाई, राशन, पब्लिक तकलीफ में है, खाने के वादे हैं, फिर भी ये लोग अपना ये बता रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, अच्छे दिन लाया, बुरे दिन लाए। बहुत इससे बुरे दिन आने वाले नहीं है और बुरे दिन आने वाले, हम लोग खिलाफ में काम कर रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से हमारी जो माननीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके आदेशानुसार मतलब, और मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, उनके नेतृत्व में आज पूरे देश, सांता क्रूज में ही नहीं, पूरे देश के अंदर हर जिला ब्लॉक लेवल पे हमारा प्रदर्शन चालू है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस ये आम आदमी का एक बहुत निहायत मतलब ज़रूरी चीज़ है। अगर डीजल का भाव बढ़ा तो समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाएगा, पेट्रोल का चार्ज बढ़ा तो किसानों के ऊपर भी इसकी मार लागत की मार पड़ती है। एक तरफ मोदी सरकार तिमाही 2000 रुपये दे रही है, दूसरी तरफ इतनी महंगाई हो गई कि एक जो एक एवरेज हेक्टर कि उनको 100 लीटर एक उपज के हर तरह से किसान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, महागास वर्गी जिसको बोलते हैं OBC, सारे मजदूर वर्ग जो हैं वो इस महंगाई से त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना दुर्भर है। खाने की जो तेल है वो तो कोई भी 200 के आसपास ही है, 200 के ऊपर ही है। दालों का भाव बढ़ गया है, कड़धान्यों का भाव बढ़ गया, दाल, सब्जी, सारी चीज़ों का भाव आम आदमी की पहुंच के बाहर है। तो हम एक विशेष के रूप में कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, खास करके 97 सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया, अपना विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि आवाज़, जनता की आवाज़ हम नहीं बुलंद करेंगे, हम भारत देश के
नागरिक है और साथ में एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा अपने जनता का विरोध प्रदर्शन दर्ज करावे। देखिए, पेट्रोल और डीजल का भाव जब बढ़ेगा तो इसकी परेशानी आम जनता को भुगतनी पड़ेगी। ये मोदी सरकार जब से आई है 2014 से लेके अभी तक इन्होंने हर चीज़ का दाम 10 गुना बढ़ा दिया है। जैसे कांग्रेस के ज़माने में 60 रुपये पेट्रोल था, आज आप देख रहे हैं 110 रुपये है। डीजल के भाव 40 रुपये थे, आज वो भी सेंचुरी करने जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये सरकार जब विपक्ष में थी तो ये लोग रोज चिल्लाते थे रोड पर उतर के, आज वो चिल्लाने वाले लोग कहाँ गए? वो आज इस महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज वो अच्छे दिन कहाँ गए जो 2014 में मोदी जी सबको सपना दिखाते थे? ये झूठों की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये झांसाराम की सरकार है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज़ पे फर असर आता है, चाहे किसान हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे राशन वाला हो, हर जगह बिना यातायात का साधन पेट्रोल ही डीजल है। और जब ये महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो रही है, जनता त्राई त्राई कर रही है। जो 400 का सिलेंडर था वो आज 850 का हो गया है। तो इस तरीके से पब्लिक बहुत परेशान है। और ये सब कहाँ है अच्छे दिन वाले? ये अच्छे दिन तो नहीं चाहिए भाई हमको, वो सस्ते दिन अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार न रहे। 2014 में आप सभी को याद होगा, जैसे मोदी जी ने कहा था कि जब चुनाव में वोट डालने जाओ तो अपने घर के गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाओ। इस बार जब जनता देश की चुनाव में वोट डालने जाएगी तो वो अपने घर के गैस को नमस्कार करके जाएगी और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी।